गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट जो कि है मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस का आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा का अर्थ, प्रकृति एवं कार्य। तो आज हम अध्ययन करेंगे केवल मुद्रा का अर्थ और प्रकृति का। अब जैसे कि मुद्रा हमारे आर्थिक जीवन का क्या है, एक अविभाज्य और आवश्यक अंग है, क्योंकि हम उसकी प्रकृति, कार्य एवं महत्व से भलीभांति परिचित हैं। जैसा कि मार्शल ने कहा था कि मुद्रा वह धुरी है, क्या मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर क्या लगाता है, अर्थतंत्र चक्कर काटता है। जैसे अब उसी तरह से देखें कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ, तो मुद्रा का विकास मानव सभ्यता के विकास से ही संबंधित है। जैसे प्रोफेसर किन्स ने कहा था कि सभ्यता के अन्य आवश्यक तत्वों के समान ही मुद्रा भी क्या है, एक प्राचीन संस्था है, और सभ्यता के विकास की प्रारंभिक अवस्था में ही मानवीय आवश्यकताएं क्या थी, अत्यंत सीमित थी, और आत्मनिर्भरता के कारण विनिमय का अभाव था। पर जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे क्या हुआ, आवश्यकताओं में वृद्धि से विनिमय आवश्यक समझा जाने लगा, इसीलिए वस्तु विनिमय युग की शुरुआत हुई। सबसे प्रारंभ में वस्तु विनिमय से मानव को अधिकतम संतुष्टि, उत्पादन में कुशलता, पारस्परिक सद्भावना में वृद्धि आदि के लाभ मिले, लेकिन साथ ही उन्हें कई प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी, जैसे वस्तु विनिमय में दोहरे सहयोग का अभाव, सामान्य मूल्य मापक की अनुपस्थिति, वस्तु की अविभाज्यता, संचय शक्ति का अभाव, भविष्य में भुगतान की कठिनाई तथा मूल्य हस्तांतरण की समस्या। एक ऐसे माध्यम की खोज की जाने लगी जिससे वस्तु विनिमय की इन समस्याओं से छुटकारा मिल सके, और इन समस्याओं का से छुटकारा पाने के लिए मानव ने क्या किया, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आवश्यकता किसकी जननी है, आविष्कार की जननी है, तो मानव ने धीरे धीरे क्या किया, मुद्रा के आविष्कार को जन्म दिया। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे मुद्रा का अर्थ। मुद्रा अंग्रेजी भाषा के मनी शब्द का क्या है, हिंदी रूपांतर है, पर मनी शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के मोनेटा शब्द से हुई है, जो रोम की देवी जूनो का प्रारंभिक नाम था। और दूसरी विचारधारा के अनुसार मुद्रा शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के पेक्यूनिया शब्द से मानी गई है, जिसका संबंध किससे है, पूकस अर्थात पशुधन से है। इसीलिए पशु, चूँकि पशु युग में मुद्रा के रूप में विनिमय के माध्यम थे, इसीलिए अर्थशास्त्र के अन्य क्षेत्रों के समान मुद्रा की भी क्या है, एक सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है, इसीलिए मुद्रा की भी अनेक परिभाषाएं दी गई है। अब मुद्रा की परिभाषाएं हम यहाँ पर दो प्रकार से अध्ययन करेंगे, एक तो विचारधारा के अनुसार और दूसरा प्रकृति के अनुसार। विचारधारा के अनुसार मुद्रा को तीन भागों में विभाजित किया गया है, संकुचित दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग, विस्तृत दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग और आधुनिक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग। और प्रकृति के अनुसार भी मुद्रा को कितने परिभाषाएं दी गई हैं, वैधानिक परिभाषाएं, वर्णनात्मक परिभाषाएं और थर्ड सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विचारधारा के अनुसार परिभाषाएं किसकी, मुद्रा की। अब इसमें फर्स्ट है संकुचित दृष्टिकोण। तो संकुचित दृष्टिकोण की परिभाषा जैसे कि प्रोफेसर रॉबर्टसन ने कहा कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो अन्य वस्तुओं के मूल्य के भुगतान में अथवा व्यावसायिक दायित्वों को निपटाने में विस्तृत रूप से स्वीकार की जाती है। अब प्रोफेसर रॉबर्ट ने क्या कहा है कि केवल धात्विक मुद्रा को ही मुद्रा की श्रेणी में सम्मिलित किया, जिससे मुद्रा के क्षेत्र को आवश्यकता से अधिक संकुचित कर दिया। नेक्स्ट है विस्तृत दृष्टिकोण। विस्तृत दृष्टिकोण के अनुसार जैसे प्रोफेसर हार्टले विदर्स ने कहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, इसी प्रकार से प्रोफेसर कोल थे, उन्होंने कहा है कि मुद्रा केवल क्या है, क्रय शक्ति है, जो केवल क्या करती है, जो वस्तुएं खरीदती है। इस प्रकार से जो मुद्रा के कार्य करे अथवा धात्विक मुद्रा, पत्र मुद्रा और साख मुद्रा सभी क्या है, मुद्रा है, इससे मुद्रा का क्षेत्र आवश्यकता से अधिक विस्तृत हो जाता है। नेक्स्ट है आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार। इस दृष्टिकोण में हम प्रोफेसर एली, प्रोफेसर मार्शल तथा किन्स को सम्मिलित करते हैं, जिन्होंने संकुचित एवं व्यापकता में मध्यम दृष्टिकोण
अपनाया है। इनके अनुसार क्या है, मुद्रा के अंदर अंतर्गत धात्विक और कागजी मुद्रा दोनों आती है और साख मुद्रा को मुद्रा नहीं माना गया है। अब जैसे कि एली ने कहा है कि मुद्रा कोई भी वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरित होती है तथा सामान्यतः ऋणों के अंतिम भुगतान में ग्रहण की जाती है। इसी प्रकार से किन्स ने कहा है कि मुद्रा वह है जिसको देकर ऋण पर संविदों तथा कीमत पर संविदों का भुगतान किया जाता है और जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय किया जाता है। तो इन सब परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जैसे साख मुद्रा, जैसे चेक, हुंडी, विनिमय पत्र, वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान में बिना विशेष जांच पड़ताल तथा बिना संदेह के स्वीकार नहीं किए जाते, अतः उन्हें मुद्रा कहना उचित नहीं है। किसको, इन सबको जो कि साख मुद्रा में इंक्लूड होते हैं। मुद्रा में केवल किसका समावेश है, धात्विक तथा पत्र मुद्रा का ही समावेश है। किसके अनुसार, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार। अब हम देखेंगे प्रकृति के अनुसार। प्रकृति के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है इसकी परिभाषाओं को, तीन भागों में। तो फर्स्ट है वैधानिक परिभाषाएं। वैधानिक परिभाषाएं प्रोफेसर नेव और हार्ट्रेने के अनुसार वे वस्तुएं ही मुद्रा हैं जिन्हें राज्य वैधानिक रूप में मुद्रा घोषित करे और वे वस्तुओं के भुगतानों में क्या हो, विधिग्रहण हो। तो आधुनिक युग में ये परिभाषाएं क्या उपयुक्त नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, क्योंकि एक तो विनिमय स्वतंत्र एवं ऐच्छिक आदान प्रदान है और दूसरी जनता का विश्वास उड़ जाने पर साधारणतः वैधानिक मुद्रा स्वीकार नहीं की जावे। इसीलिए अपरिवर्तनशील कागजी मुद्रा इसका एक बेहतर उदाहरण है। नेक्स्ट है वर्णनात्मक परिभाषाएं। इसके अंतर्गत मुद्रा की परिभाषा उसके कार्यों के आधार पर की जाती है। जैसे कि हार्टले विदर्स ने कहा था, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। उसी प्रकार से प्रोफेसर कोलबोर्न ने कहा है, मुद्रा वह है जो मूल्य मापक और भुगतान का साधन है। इसी प्रकार की परिभाषाएं वीटसली, क्राउथर, ट्रेस्टकार्ट आदि ने भी दी, जिनमें मुद्रा के कार्यों का वर्णन किया गया है। इनमें मुद्रा की सर्वग्राहता तथा वैधानिक पहलुओं को नज़रअंदाज कर दिया गया है। नेक्स्ट है सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं। इसके अंतर्गत मुद्रा की उन परिभाषाओं को शामिल करते हैं जो मुद्रा की सामान्य स्वीकृति या मुद्रा की सर्वग्राहता पर बल देती है। जैसे सेलिगमैन ने कहा है, मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राहता प्राप्त हो। वैसे ही काउथर ने कहा है, कोई वस्तु जो विनिमय के साधन के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती हो और उसी समय मूल्य मापक एवं मूल्य संचयन का कार्य करती हो तो वो क्या कहलाती है, मुद्रा कहलाती है। इसी प्रकार प्रोफेसर केंट ने कहा है कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे साधारणतः विनिमय के माध्यम अथवा मूल्य के मान के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो इस प्रकार से कोई भी वस्तु जिसे विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, भावी ऋणों के भुगतान का मापदंड, मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत तथा सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, वो क्या कहलाती है, मुद्रा कहलाती है। तो ये थी मुद्रा की परिभाषाएं विचारधारा अनुसार और प्रकृति के अनुसार। अब हम देखेंगे मुद्रा एवं चलन में अंतर, मीन्स मनी एंड करेंसी में डिफरेंस क्या है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि मुद्रा क्या है। मुद्रा का अभिप्राय उन सब वस्तुओं से है जिन्हें विनिमय के
से साख और मुद्रा की व्यवस्था में हस्तक्षेप करता है। तो इस प्रकार से ये थे मुद्रा का की प्रकृति या और विशेषताएं। थैंक यू।